SI News, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज 5 के तड़का में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहां पर आपको रूबरू करवाते हैं 5 ऐसी खबरों से जो इन दिनों काफी ज्यादा ही तड़क भड़क और गॉसिप का कारण बनी होती है। दरअसल ये भी हर कोई जानता है कि इन दिनों #MeToo अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। मगर क्या जब ये अभियान की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई है बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता को लेकर। वहीं जहां पर तनुश्री ने नाना पाटेकर को लेकर तमाम तरह के उनपे एलिगेशंस लगाए हैं, तो क्या अब तनुश्री उन तमाम एलिगेशंस के बाद नाना से डर रही हैं? आप देखेंगे इस 5 के तड़का में जो आपकी पहली खबर होगी, जहां आपको पता लगेगा कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों कहा कि तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर को लेकर डरती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद आप ये भी जानेंगे कि कौन सी खबर रही #2 पे, कौन सी खबर ने बनाई #3 पे जगह और कौन रही #4 और #5। तो चलिए आपके इंतजार को अब खत्म करते हैं और दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में इन दिनों तनुश्री नाना विवाह काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में हर कोई जानता है कि तनुश्री ने नाना पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं हाल ही में पिछले दौरान तनुश्री को अपनी बहन और चीजा के साथ नवरात्रि पूजा में देखा गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तनुश्री, इशिता और उनके पति दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर तनुश्री दत्ता ने ब्लू चुन्नी को ले रखा है और व्हाइट सूट पहना हुआ है। मगर एक बार फिर से जब यहाँ पर उनकी बहन इशिता और उनके जीजा दुर्गा पूजा में मौजूद दिखे, तो इस बार ही तनुश्री दत्ता को यहाँ पर नहीं देखा गया, जिसके चलते तनुश्री दत्ता काफी ज्यादा ही अब ट्रॉल होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर फैंस उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या आप नाना पाटेकर से अब डर चुकी है। तमाम तरह के लोग यहाँ पर तमाम चीजों को कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड की बेबो कहलाए जाने वाली करीना कपूर खान, जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। हाल ही में हर कोई जानता है कि करीना सैफ से बेहद ही ज्यादा मोहब्बत करती है। तो वहीं हाल ही में सैफ की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है जिसे जान के मानो करीना का दिल टूट सकता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। दरअसल हाल ही में सैफ अली खान से एक सवाल पूछा गया, क्या वो करीना के साथ काम करेंगे? उन्होंने कहा कि करीना के साथ मैं काम नहीं करना चाहता। इसके पीछे की वजह बताते हुए वो कहती है कि मैं और करीना एक दूसरे के साथ बेहद ही सहज महसूस करते हैं और यही सहज सिनेमा का सबसे बड़ा दुश्मन है। अजनबियों के साथ काम काफी दिलचस्प होगा, ये स्वार्थी प्रोफेशन बन जाता है। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान, जिनके घर से हाल ही में एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां पर सलमान के बेहद ही नजदीकी और पालतू डॉग माय लव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो वहीं हाल ही में सलमान की चहेती डेजी शॉ ने भी एक फोटो को शेयर किया है जिसमें डेजी सलमान के डॉगी के साथ दिखाई दे रही है। तो आप वही उनका कैप्शन भी पढ़ सकते हैं, जहां पर डेजी ने कैप्शन लिखा है, प्रिंट ऑन माय हार्ट माय लव वी विल सी यू ऑल। कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा ही हर एक सितारे के करीब भी थे सलमान के ये बेहद ही करीबी डॉग। कहीं ना कहीं यहाँ पर इस घटना के बाद सलमान खान भी बेहद ही ज्यादा दुख होते दिखाई दे रहे हैं।
बॉलीवुड में अपने चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाने वाली आलिया भट्ट जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में आलिया को न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते देखा गया, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आलिया बेहद ही सादा कूल अंदाज में दिखाई दे रही है। वहीं ये तो हर कोई जानता है कि आलिया न्यूयॉर्क में रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर की तबीयत को हाल चाल पूछने के लिए वहां पर थे। मानो इन दिनों आलिया और रणबीर अपने रिलेशन को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन दोनों की फिल्म बड़े पर्दे पर बेहद ही जल्द दस्तक देगी ब्रह्मास्त्र, जहां पर इन दोनों की बेहतर केमिस्ट्री को देखा जाएगा। मगर इसके बीच ये भी देखा जा रहा है कि आलिया रणबीर से अब पल भर की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए फौरन ही वो न्यूयॉर्क रवाना हो चुकी है, और जहां से न्यूयॉर्क से उनकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। देश भर में इन दिनों #MeToo अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में जहां पर कुछ महीने पहले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के को स्टार सजना सागी पर आरोप लगे हैं, तो वही सुशांत भी यहां पर सोशल मीडिया पर एक चैट को शेयर करते दिखाई दे रहे हैं, और इन तमाम आरोपों का वो यहां पर खंडन करते भी दिखाई दिए। मानो कहीं ना कहीं यहां पर सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर देश भर में मी टू कैंपेन बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां पर हर कोई महिला की सुरक्षा के लिए बात कर रहा है, महिला के सम्मान के लिए बात कर रहा है, तो यहां पर सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्त का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सुशांत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल को भी कहीं ना कहीं डिलीट कर दिया है। ये कहा जा रहा है वो नहीं चाहते कि ये तमाम आरोप उनके दोस्त पर लगे। तो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा 5 के तड़का में जहां हम बात कर रहे हैं तड़क भड़क खबरों की, जाना आपने कि देश भर में बी टाउन में इन दिनों ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा रहा है। #MeToo अभियान की जहां शुरुआत हो चुकी है, जहां पर तमाम हसीनाएं सामने आ रही हैं और अपने साथ हुए गलत व्यवहार का खुलासा भी कर रही हैं। ऐसे में आपने देखा कि आखिरकार क्या सच में तनुश्री जो है वो नाना पाटेकर से डर रही है। देखा आपने कि किस तरह से जहां पर पिछले दौरान डांडिया नाइट में तनुश्री दत्ता अपनी बहन निशिता और अपने जीजा वत्सल के साथ दिखाई दी थी, तो वहीं हाल ही में नवरात्रि के दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर बहन भाई अकेले दिखाई दिए। यानी कि यहां पर ना तो तनुश्री दत्ता को देखा गया, यहां पर बस दिखाई दी तो इशिता और उनके पति वत्सल। कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि अब तनुश्री दत्ता डर रही हूं। हालांकि इस जो नया ये मामला शुरू हुआ है, अब देखना होगा कि इस मामले में कौन सा नया रुख आएगा। तो वहीं आपने देखा कौन सी खबर रही #2, #3 और #5। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।